Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about quantity theory of money. मैक्रोइकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. तो देखिए क्या होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में. इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोपाउंडेड इन 16th सेंचुरी. इस थ्योरी को कब लाया गया, 16th सेंचुरी में लाया गया और सिस्टमेटिकली डेवलप किया गया इसको 1911 में बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा इस थ्योरी को लाया गया, जिनका नाम था इरविन फिशर, इन द बुक ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी. और इन्होंने इसके बारे में किस बुक में बताया था, परचेजिंग पावर ऑफ मनी में. अनदर नेम ऑफ दिस थ्योरी इज फिशर इक्वेशन या फिशर थ्योरी. और इसको और भी नाम से जाना जाता है, या तो फिशर इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी इसलिए इसे हम फिशर इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं या फिशर की थ्योरी के नाम से. द मेन पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल एंड द जनरल लेवल ऑफ प्राइस एज वेल एज वैल्यू ऑफ मनी. तो इसको लाने का मेन पर्पस क्या था कि रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल एज वेल एज वैल्यू ऑफ मनी, इन तीनों के बीच क्या रिलेशनशिप है. इस थ्योरी में यही बताया गया है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. तो देखिए इस थ्योरी में क्या कहा गया है. अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देयर इज़ अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल. तो क्या लिखा है देखिए, देयर इज़ अ डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच, पॉजिटिव रिलेशन होता है मनी क्वांटिटी ऑफ मनी में और जनरल प्राइस लेवल में. क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच और जनरल प्राइस लेवल के बीच जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो जनरल प्राइस भी बढ़ेगा. और क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब मनी की सप्लाई घटेगी तो प्राइस भी घटेंगे. एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी. और इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है मनी की सप्लाई में और मनी की वैल्यू के बीच. रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी या फिर हम कह सकते हैं मनी की सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो मनी की वैल्यू है उसके बीच और मनी की जो मात्रा है उसके बीच नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होता है. तो इस थ्योरी में यही कहा गया है. तो एक बार हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. अभी आपको ये समझ आया कि मनी क्वांटिटी ऑफ मनी और जनरल प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है. तो देखिए इसे इसके थ्रू सिंबल के थ्रू समझने की कोशिश करिए. क्वांटिटी ऑफ मनी जब बढ़ता है तो जनरल प्राइस भी बढ़ते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या होते हैं, घट जाते हैं. लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ मनी घटता है तो जनरल प्राइस भी घटते हैं और वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बढ़ जाता है. तो मतलब कहने का मतलब है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होता है तो जनरल प्राइस भी डबल हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी आधे हो जाते हैं. तो बाय सेम प्रोपोर्शन और परसेंटेज, मतलब सेम प्रोपोर्शन में ये बढ़ते घटते हैं. अगर ये दोगुना बढ़ रहा है तो जनरल प्राइस भी दोगुना ही बढ़ेगा और ये आधा हो जाएगा. इस थ्योरी में बेसिकली इसी को एक्सप्लेन किया गया है. तो द डेफिनेशन गिवन बाय, तो एस डब्ल्यू टॉजिंग ने एक डेफिनेशन में ये बताया था, मेंशन किया था. तो उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था जो मैंने अभी आपको बताया, डबल द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी, अगर डबल कर दी जाए सप्लाई ऑफ मनी को द प्राइस विल बी ट्वाइस, तो प्राइस भी ट्वाइस हो जाते हैं बिफोर एंड द वैल्यू ऑफ मनी हाफ, और मनी की जो वैल्यू है वो हाफ रह जाती है. हाफ द क्वांटिटी ऑफ मनी द प्राइस विल बी हाफ, जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ कर देंगे तो प्राइस भी हमारे हाफ हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाती है हमारी. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा. पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं जो फिशर ने इक्वेशन क्या दी है. फिशर की जो इक्वेशन है उसमें बोला गया है एम वी इज इक्वल्स टू में पी टी. यहाँ एम वी जो है मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है और पी टी डिमांड ऑफ मनी. यहाँ एम किसको कहा गया है, क्वांटिटी ऑफ मनी को कहा गया है.
जो मनी की मात्रा है, मनी की जो सप्लाई है, उसको यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट किया गया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो पैसा है, एक नोट है, 100 का नोट है मान लीजिए, वो कितने लोगों के हाथों में गया। मतलब आपने सामान लिया किसी और के पास से, वो आपके पास नोट आया, जैसे आपने सब्जी वाले से लिया या सब्जी वाले ने किसी और से लिया, तो कितनी बार घुमा है एक नोट, तो उसकी वेलोसिटी उसी को कहते हैं कि कितने हाथों में नोट गया। तो पी, पी है प्राइस लेवल, टी होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड ट्रांजैक्शन, टी यहाँ पर है हमारे ट्रांजैक्शंस। तो इस इक्वेशंस में क्या था, जो पहले इक्वेशन दी गई थी इसमें सिर्फ कैश मनी को लिया गया था, इसमें सिर्फ कैश मनी को लिया गया था, पर लेकिन सारी मनी कैश में तो नहीं होती है, कुछ मनी हमारी बैंक में भी डिपॉजिट होती है। तो बाद में इस न्यू इक्वेशन को लाया गया, उसमें क्या ऐड किया गया, उसमें बैंक डिपॉजिट मतलब क्रेडिट मनी या कह सकते हैं हम बैंक डिपॉजिट को ऐड किया गया। एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ये जो है हमारे बैंक डिपॉजिट है और ये भी बैंक की वेलोसिटी है, बैंक डिपॉजिट की वेलोसिटी। और यहाँ पी हमारा वही है प्राइस लेवल और टी ट्रांजैक्शन। तो इसमें ये एक स्टेज और जोड़ दी थी इरविंग फिशर ने, क्योंकि इसमें जो था पहले जो था इसमें सिर्फ कैश मनी था, अब इसमें ऐड करा गया क्रेडिट मनी को भी जो बैंकों में डिपॉजिट होता है। तो हम इसे देखेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जो हमने पीछे आपको बात समझाई थी। इसको आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए समझाने के लिए है। तो देखिए, जैसे ही हमने अपने मनी सप्लाई को बढ़ाया, प्राइस बढ़ गए लेकिन वैल्यू ऑफ मनी हमारा घट गया। डबल करा तो प्राइस डबल हुए लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो है हमारा हाफ रह गया। हमने इसमें यही समझाया है, मनी की सप्लाई, जब मनी ऑफ सप्लाई हमारी 400 थी तब हम 40 यूनिट्स परचेज कर पाते थे, 10 पर यूनिट्स, 10 रुपीज़ वाली। लेकिन जैसे ही वो डबल हुई, हमने मनी की सप्लाई को मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करा, तो वही 40 यूनिट्स खरीदने के लिए अब हमें 800 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं पर यूनिट, हो चुकी है 20 रुपीज़ की। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी सामने वाले बंदे के पास ज़्यादा पैसे है, अगर दुकानदार को ऐसा लगता है कि वो हमें दे सकता है, हम इन 40 यूनिट्स के वो हमें 800 रुपये भी दे सकता है और उसके पास हैं भी, तो हम उसके लिए प्राइस को इनक्रीज़ कर देते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो हमने अपने प्राइस को अब 10 न रख कर 20 कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो हमें उन्हीं यूनिट्स के अब 800 रुपये दे सकता है। तो इस थ्योरी में क्या है, हमें रिसोर्सेज को जो है कांस्टेंट मानना है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो वही 40 यूनिट्स रखनी है हमें सेम। तो देखिए, अब हमें 800 में पड़ती हैं वो 40 यूनिट्स, तो अब हम अगर 400 रुपये देंगे तो केवल हमें 20 यूनिट्स ही मिल पाएंगे। लेकिन अगर हमें 40 यूनिट्स चाहिए तो अब हमें उसके लिए 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो वैल्यू थी मनी की वो घट चुकी है, अब 400 रुपये में केवल 20 यूनिट्स ही ले पाएंगे अब आप। तो वैल्यू क्या हो गई, पैसे की घट चुकी, मतलब 400 रुपये की वैल्यू अब घट चुकी है, अब उससे केवल आप 20 यूनिट्स ही ले पा रहे हैं। तो हमने देखा, जैसे ये मनी सप्लाई को हमने बढ़ाया, प्राइस डबल हो जाते हैं लेकिन वैल्यू जो होती है मनी की वो हाफ रह जाती है। तो वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/P, या फिर आप लिख सकते हैं यूनिट्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मनी, तो 1/10 आ जाएगा। ऐसे ही 40/800, 1/20 आ जाएगा, या 1/P लिख लीजिए आप 1/20। तो देखा आपने 1/10 का भी हाफ करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो देखा आपने, जैसे हमने इसे 800 करा, ये 20 हो गया, ये 40 से 800 हुआ, ये 10 से 20 हुआ, और ये 1/10 से 1/20 रह गया, मतलब हाफ रह गया। तो बस इसमें यही था वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कोई चीज़ हमारे पास जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी औकात हमारी नज़रों में कम हो जाती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपके लिए ऑटोमेटिकली पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे गरीबों के लिए, गरीबों के पास पैसा नहीं होता, उनके लिए 5-5, 10-10 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उनके पास कम है, तो उनके लिए वैल्यू ज़्यादा है। तो और जिनके लिए, जिनके पास क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा है उनके लिए, जिनके पास ज़्यादा है उनके लिए वैल्यू कम है, और जिनके पास कम है उनके लिए वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें।
अब देखेंगे हम इस इक्वेशन को, आप ये वाला एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे, आपको जो एजम्पशंस हैं इसमें बोली गई हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और सारा आपको दिख जाएगा कि क्या इस थ्योरी में कहा गया है। तो देखिए एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू में पी टी, तो ये हमारी मनी क्वांटिटी ऑफ मनी है 100 और हमने वेलोसिटी 8 ली है, ये एम डैश 500, वेलोसिटी वी डैश 4 इज इक्वल्स टू में पी प्राइस टी ट्रांजेक्शन हमारी 400 होती है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करा हमने 800 2000 अपॉन में यहाँ पे 400 इज इक्वल्स टू में पी, इसको डिवाइड करा 7 आया हमारा, इसको डिवाइड करेंगे हमारा 7 आया, पी 7 आया और हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी थी 100, क्वांटिटी ऑफ मनी 100 थी। अगर अब हम दूसरे स्टेज में देखते हैं, अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देते हैं, सोना रखकर हम 200 रखते हैं, तो जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है तो हम उसको देख रहे हैं वो सही है भी या नहीं, इस इक्वेशन में लगा कर देखते हैं। तो हमने जब क्वांटिटी ऑफ मनी को 200 करा, 100 से लेकर 200 कर दिया, इफ़ वी डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी 200 कर दिया, और जबकि हमारी वेलोसिटी सेम रखेंगे, हम वेलोसिटी हम सेम रखेंगे, यहाँ 8 थी यहाँ पर भी 8 रखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे और ट्रांजेक्शन भी हम कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि ये हमारी फिशर इक्वेशन में कहा गया है कि वेलोसिटी और ट्रांजेक्शन को हमें कांस्टेंट मानकर चलना है। हमने इनको सॉल्व करा तो हमारा पी आ रहा है 14। तो हमने देखा जब हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी को हमने डबल करा तो प्राइस भी हमारे डबल हो गए, और वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन पी। तो और हमने देखा वैल्यू ऑफ मनी भी हाफ हो गया, 1/7 का आप हाफ करेंगे तो 1/14 आएगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हुई तो प्राइस भी डबल हो गए और वैल्यू ऑफ मनी हाफ रह गया। अब जो हमने इसमें कॉन्स्टेंट लिखे हैं, बस आपको अजम्पशन समझाने के लिए ये फॉर्मूला था, और आपको जो डेफिनेशन फिशर के द्वारा दी गई है उसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया था। तो देखिए अजम्पशंस आपको बस ऐसे ही समझ आ जाएंगे क्योंकि आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अजम्पशंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, जो वेलोसिटी है मनी की वो हमें कांस्टेंट रखनी है, चाहे फिर वो कैश मनी की वेलोसिटी हो या क्रेडिट मनी की वेलोसिटी हो। तो देखिए हमने वेलोसिटी को दोनों जगह सेम रखा है, कैश मनी की यहाँ पे 8 थी यहाँ पर भी 8 रखी है, और क्रेडिट मनी की यहाँ 4 थी यहाँ पे भी हमने 4 रखी है। कांस्टेंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, तभी ये इक्वेशन जो हमारी दी है फिशर ने थ्योरी, तभी ये लग पाएगी, हम जब अपने ट्रांजैक्शन को कांस्टेंट रखेंगे तभी ये अप्लाई हो पाएगी। अजम्पशंस हैं इसकी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो हमने पहला एग्जांपल देखा हमारे जो यूनिट्स थे दोनों ही स्टेज में 40 थे, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, वो उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बस हमारी मनी की सप्लाई में मनी की मात्रा में जो पैसों में चेंजेस आ रहा है, और पैसों में चेंजेस आने की वजह से हमारे प्राइजेज में चेंज आ रहा है। तो इसमें हमने रिसोर्सेज को कांस्टेंट माना है तभी अप्लाई हुई है। इकोनॉमी इज़ वर्किंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी में, इसमें ये मानकर चलना है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन एम कैश मनी एंड एम डैश, मतलब बैंक डिपॉजिट या क्रेडिट मनी, मतलब इसमें ये देखा गया है कि कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ता है एम और एम डैश, मतलब जितना अगर ये 100 बढ़ रहा है और ये 100 है ये 500, अगर इसमें आप 2 गुना चेंजेस कर रहे हैं तो एम डैश में भी 100 गुना के ही चेंज, 2 गुना ही चेंज कीजिए, अगर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 गुना बढ़ाएंगे तो इसे भी 4 गुना बढ़ाएंगे, तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं कैश मनी और क्रेडिट मनी सेम प्रोपोर्शन में। तो देखिए कैसे, अगर हमने यहाँ को एम को हमने डबल करा था, फिर इसमें देखिए यहाँ हमारे ये 500 है ये हमारे 1000 है, अगर हमने इन्हें डबल करा है एम को डबल करा है तो एम डैश को भी सेम उसे भी हम डबल करेंगे, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते, हम इसे 100 ना रख कर हम इसे 300 रखते तो हम
इस 500 को भी 3 से ही 3 गुना ही करते, मतलब जितना गुना आपने m बढ़ाया है उतना ही गुना आप m डैश भी बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको डबल करा था, तो हमने इन दो इसको भी उतना ही डबल करा है, इसे 500 से 1000 करा है। अगर इसे हमने 100 से 200 करा था, इसे भी हमने 500 से 1000 करा है। तो यही कहा गया है कि ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं दोनों। तो आई होप आपको अजम्पशन समझ आई होंगी। तो अब हम इसका एक डायग्राम होता है वो समझ लेते हैं, बहुत इजी सा है। तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें इस थ्योरी में हमने देखा कि थ्योरी हमें क्या बताती है, वैल्यू ऑफ मनी, मनी की सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच रिलेशन बताती है। तो देखिए अभी हमारा पहला जो ग्राफ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मनी सप्लाई। तो हम मनी सप्लाई को एक्स एक्सिस पर लेंगे और वाई एक्सिस पर हमने अपने प्राइस को लिया। तो देखिए जब हमारा ओ एम मनी की सप्लाई, मनी की सप्लाई मनी की मात्रा हमारे पास ओ एम थी, तब हमारे प्राइस जो थे ओ पी थे। जब हमारे प्राइस, जब ओ एम हमारे पे मनी की सप्लाई थी तब प्राइस ओ पी थे। जैसे ही हमने अपने मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया, हमने मनी की मात्रा बढ़ गई, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई, तो प्राइस भी बढ़ गए। हमने देखा था डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मनी की सप्लाई में और जनरल प्राइस के बीच। तो हमने इसे ओ एम से, जैसे ही हमने इसे ओ टू एम करा तो हमारे जो प्राइस थे वो ओ पी से ना रहकर ओ टू पी हो गए, ये भी बढ़ गए हमारे। तो देखा आपने कि जैसे ही मनी की सप्लाई में चेंज आया तो प्राइस में भी चेंज आया, और जैसे ही बढ़ा ये भी बढ़ा, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन हुआ। और हमने देखा जब हमने ओ एम ना रख कर हमने अपनी सप्लाई को कम कर दिया, एम अपॉन टू कर दिया, तब हमारे प्राइस भी पी अपॉन टू हो गए। मतलब वो अगर ये हमारा यहाँ से घटकर इतना हो गया है, ओ एम ना रहकर ओ एम अपॉन टू हो चुका है, तो ये भी ओ पी ना रहकर ओ पी अपॉन टू हो चुका है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा हमने किसके बीच, मनी की सप्लाई एंड जनरल प्राइस के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी ऑफ सप्लाई एंड जनरल प्राइस। और दूसरी तरफ अब हम किसके रिलेशन में देखेंगे, वैल्यू ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई के बीच क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा पीछे कि मनी की सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इट मींस अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। देखिए आपने ये डायग्राम देखिए, आपने देखा जैसे ही मनी की क्वांटिटी ऑफ मनी की सप्लाई बढ़ी तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई, जैसे ही घटी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई। तो वही डायग्राम में दिया गया है, हमारी मनी की सप्लाई कितनी थी, ओ एम मनी की सप्लाई थी। अगर हमारी ओ एम मनी की सप्लाई थी तब हमारा वैल्यू ऑफ मनी ओ पी था, ठीक है। ये तो कुछ इसमें कुछ नहीं हुआ, हमारा ओ एम मनी की सप्लाई थी तो वैल्यू ऑफ मनी भी हमारा ओ पी था। जैसे ही हमने मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया, टू एम कर दिया, ओ टू एम कर दिया, तो हमारी क्या हुई, जैसे हमने इसको बढ़ाया हमारी वैल्यू ऑफ मनी घट गई। वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, ओ पी अपॉन टू, ये तो टू एम हो गया पर ये पी अपॉन टू हो गया। और जैसे ही हमने इसको कम करा, मनी की सप्लाई क्वांटिटी ऑफ मनी को हमने कम करा, तो हमारे प्राइस क्या है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वो बढ़ गई। तो आप खुद समझिए, ये बस सिंपल सा टॉपिक है, बस बच्चों को समझ नहीं आता है कि कैसे लिखना है। तो देखिए मनी की सप्लाई, जब मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मतलब मान लीजिए आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया तो आपके लिए वैल्यू कम हो जाएगी। आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया आपके लिए वैल्यू जो है उस पैसे की कम हो जाएगी, आपके लिए 100, 200, 300 कुछ नहीं मायने रखेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा हो चुका है। अगर वहीं आपके पास अगर पैसे कम हो जाए तो आपको 10-10 रुपये भी, मतलब बहुत उनकी वैल्यू लगेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको कि हम आप कम से कम खर्च करेंगे, आपके लिए वैल्यू बढ़ जाएगी जब आपके पास पैसा कम हो जाएगा। तो बस यही टॉप कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, क्योंकि इसमें जो अजम्पशंस मानी गई हैं तो ज़रूरी नहीं है वो ऐसे ही होगा। देखिए अजम्पशंस अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं इसकी,
मतलब हमने माना वेलोसिटी को हमने 8 माना एग्जांपल में, वेलोसिटी 8, जरूरी थोड़ी है हमारा जो पैसा है 8 लोगों के हाथों में ही जाए, वो 10 लोगों के हाथों में भी जा सकता है, 12 लोगों के हाथों में भी जा सकता है, और जरूरी नहीं हमारी 400 की ही ट्रांजैक्शन हो, 500 की 600 की भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो जो हमारी अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, अजम्पशंस हैं। और सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी, हम लिमिटेशंस पूछे या आपसे क्रिटिज्म पूछे एक ही बात है, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल TVV-, तो इनको मेजरमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें ये मापना कि कितने के पास ये नोट जो है कितनी बार घूमा, ये नापना मेजरमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ये मेजरमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, हम ये पता लगा नहीं पा सकते आसानी से कि कितने लोगों के पास ये नोट गया है। तो प्राइस इज़ अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर, जो प्राइस होते हैं यहाँ पर हमने देखा कि मनी की सप्लाई से अफेक्ट हो रहे हैं, कि मनी की सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, लेकिन प्राइस को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। देखिए, प्राइस इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय क्वांटिटी ऑफ मनी बट आल्सो बाय अदर फैक्टर्स सच एज वेदर कंडीशंस, रेनफॉल, फ्लड, नेचर, क्लाइमेट्स। मौसम की वजह से भी, नेचर की वजह से भी हमारे जो प्राइजेज हैं वो भी अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ मनी की सप्लाई को ही कंसीडर करा है, उसी को लेकर प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो हमने इन सब चीज़ों का इग्नोर किया है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, मतलब देखिए बाढ़ वगैरह आ जाती हैं तब हमारे जो प्राइजेज हैं तब भी चेंज होते हैं, जैसे रेनफॉल हो जाता है तो हमारी सब्जियाँ ख़राब होने लग जाती हैं, तो सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, तो प्राइस तो इन लोगों की वजह, इन चीज़ों की वजह से भी चेंज होते हैं, पर हमने सिर्फ मनी की सप्लाई को लिया है। फोर्थ लिमिटेशन है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द मनी एंड प्राइस लेवल इज़ डाउटफुल। मतलब हमने देखा जितनी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, हमने पीछे देखा कि जितनी हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ती है, उतनी ही हमारी प्राइस का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है जितनी मात्रा बढ़ेगी उतना ही प्राइस बढ़े, ये एक डाउटफुल है कि प्रोपोर्शनेट चेंज होता है इन दोनों में। बस हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मनी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता, पर ये नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है कि ये दो गुना बढ़ा तो प्राइस भी दो गुना बढ़ गया, ये हमने चार गुना बढ़ाया तो ये भी चार गुना बढ़ गया, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। हाँ, अगर ये दो गुना बढ़ा है, क्या पता ये तीन गुना बढ़ जाए या एक गुना बढ़ जाए, पर ऐसा नहीं कि दो गुना बढ़ा है तो ये भी दो गुना बढ़ जाएगा, तो इसकी लिमिटेशन है। वन साइडेड थ्योरी है, इसमें सिर्फ हमने मनी की सप्लाई को ही देखते हुए आए, शुरू से ही मनी की सप्लाई को लेकर ही हमने सब कुछ करा। इसमें जो डिमांड वाली साइड थी, हमने देखा था मनी की सप्लाई जो है किसके बराबर, डिमांड ऑफ मनी के, तो डिमांड ऑफ मनी वाली साइड को तो हमने कुछ करा नहीं, उसे तो कॉन्स्टेंट लेकर चलें, अनचेंज लेकर चलें हम। दिस थ्योरी एनालाइजेस द सप्लाई साइड ऑफ मनी वेयरस डिमांड साइड इज टेकन एज अनचेंज। हमने डिमांड साइड कोई चेंजेस करे ही नहीं। फेल टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, और ये फेल है एक्सप्लेन करने में ट्रेड साइकिल्स को, कैसे, जब हमारे इकोनॉमी में मंदी का समय होता है, मतलब रिसेशन का समय होता है, तो हमारे प्राइस जो होते हैं घट जाते हैं। रिसेशन के समय पे प्राइस मंदी के समय पर घट जाते हैं, हमारे जो प्राइस हैं वो घट जाते हैं रिसेशन के समय पर। अगर हम प्राइस बढ़ाना चाहें रिसेशन के टाइम, चाहे हम मनी की सप्लाई को क्यों ना बढ़ा दें, तब भी प्राइजेज में कोई चेंज नहीं आता। अगर हमारे रिसेशन के समय प्राइस घटे हुए हैं, हम मनी की सप्लाई बढ़ा देंगे, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा देंगे, तब भी हमारे प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता। तो ये फेल है ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करने में। ऐसे ही जब बूम का समय होता है, जब हमारे प्राइस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तब हम अगर मनी की सप्लाई को कम कर देंगे, इकोनॉमी में, तब भी हमारे प्राइजेज नहीं घटेंगे, तब भी वो हमारे प्राइजेज बढ़ेंगे, क्योंकि बूम का टाइम चल रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने में ये फेल है ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करने में। और देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर, इसने इग्नोर करा है
उस मनी को जो लोग स्टोर करके रखते हैं। अब ये तो नहीं लोगों के पास इतना पैसा है, मतलब पूरा ही जितना पैसा है उतना ही खर्च कर देंगे। इन्होंने बोल दिया कि जितना मनी की सप्लाई होती है उतनी ही मनी की डिमांड भी होती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग पैसा रोक कर भी चलते हैं, ये नहीं जितना होता है उतना ही पूरा खर्च कर देते हैं। तो इसमें ये बात इग्नोर की गई है कि पीपल डू नॉट स्पेंड होल ऑफ मनी ऑन द पर्पस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बट कीप अ पार्ट ऑफ इट फॉर फ्यूचर। कुछ फ्यूचर के लिए भी जोड़ कर रखते हैं, पर इसमें इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। तो इसकी लिमिटेशंस थे, क्रिटिजम्स थे, ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आप इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं, सेकंड एग्जाम्पल्स आप लिख के आ सकते हैं जो मैंने ये दिया है। आप चाहे इसको स्किप कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको समझाने के लिए दिया था, आप इसको एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप उस एग्जाम्पल को लिख कर आएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से अटैम्प्ट हो पाएगा, टीचर भी समझ पाएगा कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो आई होप आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।